नमस्कार, मैं हूं प्रियंका द्विवेदी। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में बुधवार को जारी हुए नीट परीक्षा परिणाम में कस्बे के क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल के दो विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिस पर विद्यालय प्रबंधक व शिक्षकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एस धनबालन ने बताया कि नीट परीक्षा में कॉलेज के छात्र निर्दोष राजपूत ने ऑल इंडिया रैंक 947 हासिल की, जबकि ओबीसी में 270 रैंक पाई है। महोबा जनपद के तुर्रा सेड़गर गांव निवासी निर्दोष के पिता कढ़ोरीलाल राजपूत पेशे से किसान हैं। इसी प्रकार स्कूल के छात्रा श्रद्धा सिंह राय ने ऑल इंडिया रैंक 7666 हासिल कर सफलता पाई। आपको बता दें कि श्रद्धा राय ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल से पास की। श्रद्धा के पिता नगर के सिकंदरपुरा मोहल्ला निवासी योगेंद्र सिंह राय जड़ाखर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर हैं। प्रबंधक एस धनबालन, प्रिंसिपल रामेश्वर दयाल, विनायक रूबिन, धर्मपाल, महिपाल सेन आदि ने सफल विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया तथा श्रद्धा व छात्र निर्दोष ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व शिक्षकों को दिया। श्रद्धा राय के इस नीट परीक्षा पास होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। किसको श्रेय देते हैं इस परीक्षा को? इसका श्रेय अपने पापा एंड टीचर्स को देते हैं। क्या क्या तैयारी की थी आपने जिस कारण ये नीट की परीक्षा पास की? बस वही सुबह सुबह से कोचिंग जाना और 2 बजे घर से आना और फिर सेल्फ स्टडी करना हॉस्टल पे और टीचर्स की बात ध्यान से सुनना और एनसीईआरटी पे ज्यादा बस यही सोचते थे कि आगे जाकर डॉक्टर बनना है और लोगों को जो बीमार लोग हैं उनकी देखभाल से सही करना। क्या आपका रुचि कभी सोशल मीडिया पे गई है? नहीं, मन तो बहुत बार किया पर फिर नीट सामने आ गया तो फिर छोड़ दिया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी पापा और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं और हम लोग बहुत खुश हैं। तीसरी अटैम्प पूरी मतलब क्लियर हो गई इसकी एमबीबीएस। कितने वर्ष से आपकी बच्ची यहाँ पर नीट की तैयारी कर रही थी? तीसरी साल इस साल। कितने दिनों से आपकी बच्ची यहाँ पर तैयारी कर रही थी? तीसरी साल है सर। इसके लिए कितने घंटे आपके हिसाब से क्या क्या मेहनत की है? सुबह से लेकिन मतलब पूरा दिन उसका यही कार्य रहता था, कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, पढ़ाई करना। आपने किस तरीके से माँ के नाते आपने किस तरीके से देखभाल की आपने? अच्छा, बस फोन से बात करते थे, कोटा में रहती थी, बस बात करते थे सब रात में, मतलब 8 बजे के बाद फोन से उसको। हमीरपुर से यूपी 24 न्यूज के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।